दोस्तों जिस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कबीर सिंह की। ये फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियल रीमेक है। मेरा नाम है साहिल और मैं पता करूँगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो की पब्लिक से कि उनको ये मूवी कैसी लगी, उनकी राय क्या है वगैरह वगैरह, एक्सक्लूसिवली ऑन फिल्मी सर्कल। कैसी लगी आपको फिल्म कबीर सिंह? बहुत अच्छी लगी है मूवी, एक्सीलेंट, शायद इज एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2019, क्योंकि ये मूवी संदीप वांगा जी ने बनाई है, जिन्होंने तमिल और तेलुगु में भी बनाई है और वो भी एक ब्लॉकबस्टर थी। तो ये मूवी में अगर आपको रोमांस और लव को एक अलग एंगल से देखना है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। जी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। ऑफ कोर्स पीपल नो अबाउट अर्जुन रेड्डी, मैंने खुद चार बार देखी है। सो स्क्रिप्ट के बारे में कोई दो राय नहीं है कि स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत ही प्यार से लिखी गई है। सो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छे से बनाई है। जस्ट आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मतलब धाकड़ मूवी है, जस्ट आउटस्टैंडिंग, ऑसम। मतलब बहुत टाइम के बाद एक अच्छी लव स्टोरी, हार्ड हिटिंग एक पिक्चर देखी। कियारा आडवाणी वॉज गुड, शाहिद कपूर जी इज़ ए सुपर स्टार। मतलब लास्ट जो रणवीर सिंह के साथ उसको मेन स्ट्रीम से हटा के एक यू नो साइड करने की कोशिश की गई थी, he's back with a bang. I mean he's too good. It was very nice. ठीक ठाक लगे मुझे। जो शाहिद का काम है वो बहुत अच्छा है, कियारा आडवाणी का डायलॉग इतना नहीं है बट जो क्यूटनेस जो सादगी उनमें है वो बहुत अच्छी लगी, पब्लिक को पसंद आएगी। पिक्चर सेकंड हाफ में कुछ हद तक बोरिंग फील होती है, मतलब काफ़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जो शाहिद की एक्टिंग है उससे पिक्चर ठीक हो जाती है। और उसमें लेकिन पीना पाना ज़्यादा, स्मोक वोक ये ज़्यादा दिखाए गए हैं। आई थिंक इतना स्मोक वगैरह ड्रिंक वगैरह वो सब नहीं होना चाहिए। शाहिद कपूर ने इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, काफ़ी प्रिपरेशन करे, तो उनकी मेहनत, उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? वो हर एक सीन में दिख के आ रहा है कि एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन दिया है। ऐसा रोल प्ले करना इज नॉट अ जोक एंड इट रिक्वेस्ट रियली सो मच डेडिकेशन दैट वो जो जितना उसमें नशा दिखाया हुआ है ऐसा लग रहा था सच में पूरा उन लोगों ने इतना नशा किया हुआ है। बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया शाहिद ने, बिल्कुल एक्टिंग नज़र आती है, ही इज़ फिनोमिनल बिकॉज ही इज़ द मेल प्रोटैगनिस्ट। तो उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एक तरफ वो मेडिकल प्रोफेशन में है, ही इज़ एन अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट, वो दीवानगी की जो हद है वो कैसे जुनून में बदल जाती है वो दिखाया है, और उस वो नेगेटिविटी में से कैसे वो उभर के आते हैं वो बहुत अच्छे से दिखाया है। सी कबीर सिंह के रोल में शाहिद ने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, इट्स यू कैन सी इट इन हिज कैरेक्टर दैट ही हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बी इट चेंजिंग बॉडी चेंजेस और एनीथिंग लाइक हिज इमोशनली मेंटली एवरीथिंग, इट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन। द पार्ट इज दैट इफ यू वॉच अर्जुन रेड्डी बिफोर वॉचिंग कबीर सिंह यू एंड अप कंपेयरिंग द बोथ विच इज़ नॉट राइट। सो आई वुड रिकमेंड पीपल आर वॉचिंग दिस रिव्यू, प्लीज काइंडली गो वॉच कबीर सिंह फर्स्ट एंड देन वॉच अर्जुन रेड्डी, सो that you will not compare Shahid character to Arjun's. Jay, excellent. Shahid Kapoor is Shahid Kapoor, so belongs from a Kapoor family. So this is excellent. No comments. Acting तो wow लगी. फिर से प्यार हो गया शायद से ऊपर आ गया. अभी तो wallpaper में change हो गया मेरा. फटाक से. ये एक love story है. तो इसमें कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की on screen chemistry कैसी लगी? On screen chemistry भी बहुत अच्छी है और काफी different भी है और काफी शाहिद को ऐसे dominating बताया हुआ है तो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छी है उनकी केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छी है एंड पीपल गेट गूसबम्स इन फ्यू सीन्स, स्पेशली द लास्ट फ्यू सीन्स और क्लाइमेक्स में जो सीन्स हैं यू विल एक्चुअली गेट गूसबम्स, इतने अच्छे सीन्स हैं। शाहिद और कियारा की ऑन सीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है बट कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ केमिस्ट्री उनकी ऑफ जाएगी, आपको पता चल जाएगा वो सीन्स कौन से हैं मूवी देखते हुए। एंड ऑडियंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो में थिएटर में पता चल रहा है कि ऑडियंस यू नो एक ही साथ रिएक्ट कर रही है कि ये सीन में ऑफ है केमिस्ट्री, पता चल रहा है, यू कैन फील इट। So yeah, that's pretty much it. But most of the movie is very well done. Both of them have acted well. They look in character. They look close. They look in love. काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, मूवी बहुत अच्छी लगी, इंटेंस मूवी है और जो लव बर्ड्स उनको काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी, काफ़ी इंटेंसिटी दिखाई जो मोस्टली आजकल रियल लाइफ में जो हो रहा है कास्ट इशूज़ एंड ऑल शिट, तो उसकी वजह से एंड बेसिकली मुझे थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि मैंने शाहिद कपूर को ट्रेन भी करा हुआ है तो वो मेरे क्लाइंट भी थे, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट था मूवी देखने का कि कैसे एक्ट करा उसने और क्या।
इट्स ए सुपर्ब जो शाहिद कपूर की थोड़ा साइको साइको बताया साइको हाँ साइको बताया दिखाया उन्होंने इसमें जो प्यार में पागल है तो अच्छे अच्छे की स्क्रू ढीला हो जाता है उनका भी थोड़ा बहुत हो गया है ये जो साइको वाला एक्टिंग वो जस्ट माइंड ब्लोइंग जस्ट जबरदस्त है अच्छी लगी आई मीन ऐसा नहीं लगा कि शाहिद कपूर इज टू ओल्ड कियारा वाज टू गुड उसका जो प्रेजेंस ऑफ यू नो माइंड और अपीयरेंस थी और जो शाहिद कपूर के साथ कम्पीट करना था इट वॉज टू गुड केमिस्ट्री दोनों की अच्छी है लेकिन इतनी ज़्यादा लव स्टोरी हम नहीं बोल सकते इसको यार लव स्टोरी वो होती है जब आप मतलब एक फील करो आप अपने आप को वहाँ पे फील करो लेकिन यहाँ पे अपने आप को फील नहीं किया जा सकता कि इस लव स्टोरी में हम अपने आप को रख के देखें अच्छी बहुत स्वीट है क्यूट है जो बोल पाए वो बहुत क्यूट है अच्छा मूवी के गाने काफी ज्यादा हिट हो चुके हैं पहले से ही तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा बेख्याली मेरा फेवरेट सॉन्ग है बेख्याली उसके अलावा एक सोनियो सॉन्ग है टुवर्ड्स द एंड म्यूजिक बहुत अच्छा है एक रोमांटिक मूवी में अगर एक गाना भी अगर लोगों के दिल को छू जाए तो आई थिंक सचमुच और बेख्याली गाना वो एक गाना है गाने में एक गाना मुझे अच्छा लगा बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए मिथुन जी तो मतलब वो गाना मुझे काफी अच्छा लगा और बाकी ठीक ठाक है आजकल काफी आ रहे हैं ऐसे गाने बेख्याली और मूवी की अगर लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है तो ये इस स्टोरी लोगों को कितनी एंगेजिंग लगेगी ये ख्याल मेरे मन में भी आया था कि मैं 3 घंटे कैसे मूवी देखूंगा बट आप वो मूवी में से खो जाएंगे कि यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम वही वो लव में जो इतनी इंटेंसिटी और इतनी ये है जुनूनियत है कि आपको इंजॉय करेंगे वो 3 घंटे यू विल नॉट गेट बोर्ड हाँ स्टोरी में एंगेज हुए उसका रीज़न ये था कि इनफैक्ट ये जो रिमेक बनी है आई थिंक ये तो उसके बाद भी जब मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑलरेडी जबकि मेरे को स्टोरी पूरे पहले से पता था उसके बाद भी एक इंटरेस्ट था कि हाँ यार इंटरवल खत्म होगा उसके बाद मूवी होगा देखना है क्या होता है क्या होता है क्या होता है लेंथ में थोड़ी छोटी हो सकती थी लेंथ में थोड़ी छोटी कर सकते थे बट क्या इसकी स्टोरी एंगेजिंग है बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसी लव स्टोरी है जो हार्ड हिटिंग है अर्जुन रेड्डी जो पहली पिक्चर थी इसकी उसके जो डायरेक्टर आई थिंक उसी ने बनाई है सेम डायरेक्टर हाँ सेम डायरेक्टर तो अर्जुन रेड्डी मैंने तो देखी नहीं लेकिन ऑसम मूवी बहुत ज़्यादा है हर एक पार्ट में कुछ अलग अलग समझ में आता है कि लास्ट तक क्या होता है लास्ट में क्या होगा सस्पेंस होता है पर आएगा कि नहीं आएगा लास्ट तक मूवी बहुत बेस्ट आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स 5 out of 5 फॉर शाहिद बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट टू प्ले सच रोल्स एंड ही इज डन इट रियली ब्रिलियंटली 3.5 3.5 आउट ऑफ 5 मैं 8 8 ओह दैट्स ग्रेट व्हाट अबाउट यू मैम 5 to 5 थैंक यू दोस्त ले लूंगा थोड़ा सा रोना आ रहा था बीच-बीच में सो 5 out of 5 जस्ट mind blowing please watch this movie 4.5 3 6 7 8 9 10 thank you